बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस हफ्ते के बाल चौपाल में ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं यानी आपका साथी कौशल लेके आया हूँ ब्रह्मांड की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल। पत्तों की सरसराहट, बारिश की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट, प्रकृति की आहटें हैं जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं। पर लीगो प्रयोगशाला के जरिए हम आकाश में मौजूद तारों की सरसराहट या उनके जबरदस्त विस्फोटों और उनके बदलावों को भी सुन सकते हैं। हमारी प्रकृति बहुत बड़ी है। ब्रह्मांड में अनगिनत पिंड हैं। पिंड मतलब अलग अलग ग्रह, तारे, नक्षत्र, उपग्रह, ऐसी बहुत सारी चीजें आकाश में मौजूद है जिन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं। इन आकाश पिंडों के विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अंतरिक्ष में अदृश्य रहने वाले ब्लैक होल भी हैं, यानी वो है तो पर दिखते नहीं हैं, जो पृथ्वी बल्कि कहा जाए तो सूरज के मुकाबले भी बहुत भारी होते हैं, पर इनकी शुरुआत एक छोटे से आकार से होती है। इनके टकराने से जबरदस्त ऊर्जा का सृजन होता है और इसका नतीजा ये होगा कि गुरुत्व की तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। उनके इस आविष्कार को आज गुरुत्व तरंगों से जुड़ी खोज ने सही प्रमाणित कर दिया है। ये गुरुत्वीय तरंगें ब्रह्मांड के विस्तार में हिलकोरे के समान होती हैं। हिलकोरे मतलब जैसे सागर में उठने वाली लहरें। ये विज्ञान की करामात है कि ब्रह्मांड में 130 करोड़ साल पहले और कोसों दूर ब्लैक होल की टकराहट को लीगो प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने पहले फरवरी 2016 में और फिर जून 2016 में सुना। करोड़ों साल पहले हुई इस घटना को सुनना अपने आप में अद्भुत है। ब्रह्मांड की आहट को सुन पाने की हमारी क्षमता विज्ञान के जगत में एक बड़ा कदम है। ये कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जाना जाए। इस घटना को लीगो प्रयोगशाला में सुना गया। अमेरिका में दो जगह लीगो की प्रयोगशालाएं हैं, एक लुसियाना में और दूसरी वाशिंगटन में, और दोनों ही प्रयोगशालाओं में गुरुत्व तरंगों को दर्ज किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, पर गुरुत्वीय तरंगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। ये तरंग बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे तालाब के पानी में पत्थर फेंकने से तरंग उठती है या लहर उठती है। लीगो में जो यंत्र लगा है, दरअसल ये एक इंटरफेरोमीटर है जिसमें दो लेजर लगी हुई है। ये यंत्र दिक काल की वक्रता या घुमाव में हुए बदलावों को दर्ज कर सकता है। दिक काल की वक्रता में बदलाव से क्या मतलब है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल रास्तों से गुजरना होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरुत्व क्या है। तुम्हें पता है कि ऊपर की ओर फेंकी हुई हर चीज जमीन पर वापस आ जाती है। ये एक ऐसी घटना है जिसे हम नियम मानते हैं, इसे गुरुत्व का नियम कहते हैं। तुम में से कई बच्चे तो ये जानते ही होंगे। ये भी तुमने पढ़ा होगा कि सूरज के चारों ओर धरती चक्कर काटती है, क्योंकि वो सूरज के गुरुत्व के प्रभाव में धागे में बंधे एक पत्थर की तरह उसके चारों ओर घूमती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी धरती के चारों ओर घूमता है। चांद, तारे, धूमकेतु, ग्रह, सूरज, पुच्छल तारे और वो अनगिनत चमकती हुई चीजें जो हमें रात के आसमान में दिखती हैं और वो भी जो हमें नहीं दिखती हैं, वो सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण में बंधी होती हैं। सूरज, धरती, चंद्रमा, आकाश गंगाएं दिक काल के सांचे में मौजूद होती हैं। दिक काल पदार्थ का सांचा होता है। इसमें हो रहे बदलावों को आकाशीय परिघटनाओं में ही महसूस किया जा सकता है। गुरुत्व इस दिक काल यानी पूरे ब्रह्मांड के स्थान और समय की ज्यामिति होता है। दिक काल की ज्यामिति या दिक काल के आकार का अर्थ है कि दिक काल में आने वाले बदलाव, घुमाव, तिरछापन आदि हर आकाशीय पिंड, चांद सितारों की गति व उनकी चाल इस वक्रता या घुमाव या तिरछेपन से तय होती है। चांद सितारे का भार दिक काल की ज्यामिति बदलता है, तो दिक काल चांद सितारों की गति को बदल देता है। यानी यूं समझ लो कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के सापेक्ष है, अगर एक बदलता है तो दूसरा भी बदलेगा।
इसे समझने के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि सूरज का गुरुत्व दरअसल एक बड़े से विशाल जाल की तरह या नेट की तरह काम करता है, जैसे मछली पकड़ने का जाल। हम जब भी कोई चीज फेंकते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद उस काल्पनिक जाल जो कि गुरुत्व के कारण बना हुआ है उससे टकराती है और नीचे आके गिर जाती है। अगर वो जाल ना हो तो चीज ब्रह्मांड में निकल सकती है, क्योंकि ये जो जाल है ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। इसी तरीके से ब्रह्मांड में हर जगह चारों तरफ फैला हुआ है, यही इसकी वक्रता कही जाएगी। वक्रता का मतलब होता है घुमाव। अब ये चारों ओर फैला हुआ है इसलिए ये घूम के चारों ओर से गोल हो जाता है, इसीलिए हम इसे दिक्काल की वक्रता कहते हैं। इसके कारण ही बारिश की खबरें देने वाले सारे सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काटते हुए पृथ्वी के गुरुत्व में चारों ओर घूमने लगते हैं। यानी ये जाल के बाहर नहीं है, ये जाल के अंदर ही घूम रहे हैं। यहाँ पर जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुरुत्व सिर्फ हमारी धरती पर ही काम नहीं करता, ये हमारी गेंद को वापस जमीन पर लौटा लाने के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र तैयार कर सकते हैं। सितारों की गति और उनकी रफ्तार को नियंत्रित करने वाले गुरुत्व के कारण ही सेब पेड़ से गिर जाता है। जब आकाशीय पिंड ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो दिक्काल के सांचे में तरंगे उठने लगती हैं। इसे ऐसे समझ लो, मान लो कि एक जाल बंधा हुआ है, उसके नीचे कोई चीज टकराती है और उससे थोड़ी सी हवा निकलती है जिसकी वजह से जाल ऊपर नीचे होने लगता है। इसे ही हम दिक्काल के सांचे में उठने वाली तरंगे कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो, ऐसी ही तरंगों को लीगो नाम की इस प्रयोगशाला ने दर्ज किया है। यदि आवाजें, रोशनी और गुरुत्वीय तरंगों के सूरज से पृथ्वी तक आने में कुछ सेकंड लगते हैं, तो ब्रह्मांड में बहुत दूर दूसरे कोने पर स्थित पिंड से पृथ्वी तक आने में निश्चित ही और ज्यादा समय लगेगा। कभी कभी तो कई करोड़ साल लग जाते हैं। और एक ऐसी ही घटना को, यानी करोड़ों किलोमीटर दूर ब्लैक होल के टकराव की आवाज को लीगो प्रयोगशाला द्वारा सुना गया। लीगो की प्रयोगशाला ने ब्रह्मांड में हमारे कान की तरह काम किया है, जिससे हम ब्रह्मांड की आहटों को सुन पा रहे हैं। ये घटना आज से 130 करोड़ साल पहले हमारे सूरज से 29 गुना और 36 गुना भारी ब्लैक होल के आपस में टकराने से हुई, और इस प्रक्रिया में सूरज से करीब 3 गुना अधिक भार गुरुत्वीय तरंगों में बदल गया। यही तो आइंस्टीन ने हमें बताया था कि भार ऊर्जा में बदल जाता है। इस पर कभी जरा और विस्तार से बात करेंगे। आइंस्टीन ने इन ब्लैक होल के टकरावों की व गुरुत्व तरंग पैदा होने की कल्पना 1916 में ही कर ली थी। इसके लिए उन्होंने अपने बनाए हुए सापेक्षिता सिद्धांत को लागू किया था, और वो भी कागज के पन्ने पर निकाले गए बिल्कुल गणितीय फार्मूले के जरिए। ये बिल्कुल असंभव सी लगने वाली चीज थी। मनुष्य की समझदारी में ये एक ऊंची छलांग थी। आज हमारी कल्पना में जहाँ टीवी चैनलों पर आने वाले कार्टून छाए रहते हैं और हमारे बड़ों की जिंदगी भी बस अपने रोजाना के ढर्रे पर बीत रही होती है, वहीं कहा जाता है कि आइंस्टीन अपने समय में ब्रह्मांड को अपनी पेंसिल की नोक पे समझ रहे थे, कल्पनाएं कर रहे थे और प्रकृति की बनावट और बनावट दोनों को ही समझ रहे थे। तो बच्चों, ये था इस हफ्ते का लेख ब्रह्मांड की आवाज, जिसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। इस लेख को लिखा था सनी ने और इसे पढ़ के सुना रहा था मैं, आपका साथी यानी कौशल। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसे ही कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।